ये है हमारा स्पोर्ट्स ऑफिसर अपर सुबनश्री का। तो अपर सुबनश्री का ये फुटबॉल टूर्नामेंट, जी सर, अनुपम दादा जी फुटबॉल टूर्नामेंट का हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो इसका बारे में आप थोड़ा से डिटेल्स में बता दीजिए कि कब होगा, कैसे होगा, पूरा डिटेल में बता दीजिए। मैं जे जे दुबी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। ये अनुपम दादा जो 7th एडिशन अनुपम दादा टूर्नामेंट जो है आपका हमारा डिस्ट्रिक्ट में 25 मई 2024 से शुरू होगा। ये कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल 25 से शुरू होकर आपका 28 तक होगा। उसके बाद में फिर जो कॉन्स्टिट्यूंसी विनर ये उसमें ये लेडीज बॉयज एंड गर्ल्स होगा अंडर 16 का। तो उसके बाद में आपका कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल का विनर को फिर ये मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में फिर सर खेला जाएगा। तो इसका आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज खेल होगा? जी सर, ये हमारा यहाँ में दापुरजो में 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है, नाचो, तालिया, दापुरजो एंड दापुरजो। तो इसको पहले सर हम लोग 25 से लेके 29 तक खेला जाएगा। फिर सर कैसे खेलेगा वो लोग? सर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग जाके कंडक्ट करेगा सर। कंडक्ट करेगा जी सर। तो वहाँ टीम का एलिजिबिलिटी कैसे होगा सर? टीम का आपका ये अंडर 16 ही है सर, तो उसमें आपका अंडर 16 मतलब क्लब वाइज से करेगा ना, स्कूल वाइज में करेगा ना, पंचायत वाइज में ना, क्या स्कूल का जो भी एलिजिबल सर, जो भी एलिजिबल अंडर 16 में है वो खेल सकता है सर। मैंने कोई भी टीम बना लेगा जी, एक्स वाई जेड टीम बना लेगा उस एरिया में जी सर। तो उसमें हायर करके कोई खेलेगा क्या? नहीं, हायर से नहीं होगा सर। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे कि ये मैं नाचो में जब कॉन्स्टिट्यूंसी में खेलेगा तो नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी का ही आदमी होना पड़ेगा, तालिया का कॉन्स्टिट्यूंसी का तालिया का आदमी ही होना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम है सर। वो बताओ ना डिटेल बताओ कैसे, उसका पूरा डिटेल बताओ, आदमी लोग मालूम होना पड़ेगा ना। वही है सर आपका हर ये जो ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना अपना ये होगा, अपना अपना आदमी कॉन्स्टिट्यूंसी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में का आदमी होना पड़ेगा। तो वो खेल वो आके आपका हम जो आप सर ये आपका 15 से आपका ये फॉर्म को इशू किया जाएगा। फॉर्म कहाँ से मिलेगा? फॉर्म मेरा यहाँ से मिलेगा सर। मेरा यहाँ मतलब क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का ये समर से मिलेगा। हाँ ऐसे बोलो ना सर। अच्छा से बताओ ना कैसे आप एक इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहा है तो वहाँ में फिर जो खेलने वाला जो आएगा कुछ फीस देना है क्या? नहीं फीस नहीं सर, ये सब डिटेल बताओ ना, पूरा डिटेल बताओ। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सर। उसके बाद में आपका ये इसमें हम लोग जो है क्राइटेरिया ऐसे रखा है कि इसका ये आधार कार्ड को देखा जाएगा, उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट को देखा जाएगा। तो उसको देख के हम लोग जो अंडर 16 जो है उसको हम लोग सिलेक्शन करेगा ऐसा है सर। वो ये मेंबर जो है आपका हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका जो आके आपका जो टीम सबमिट कर सकता है सर। तो खेलने वाला जो आएगा खाना पीने मिलेगा क्या उसको? सर रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा, रिफ्रेशमेंट सिर्फ होगा जी सर। और दापो में जब फाइनल में आएगा तो सर उसका खाना है सर, उसके डिटेल्स आप बताइए ना। आप क्यों छुपा छुपा के बात करता है? तो आदमी को मालूम होना होगा ना आप क्या चीज पूरा को बताना पड़ेगा ना। डिटेल सर आपका ये डॉक्यूमेंट्स नहीं नहीं, ये तो आदमी को मालूम होना है ना कि आप एक्चुअली आप मीडिया लोग को बुला के अच्छा से ब्रीफिंग करो। तो लोग आज का दिन में आप छुपा छुपा के खेल खेलाना वो तो सही नहीं ना। अब जो खेलने जा रहा है उसका बारे में लोगों को पूरा वाइड पब्लिसिटी होना है जी सर। तो ये एक चीज है हम जो अभी आपको कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, तब तो अच्छी बात है। अभी हमारा स्पोर्ट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का आप लोगों को बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज खेला जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज खेलने का जगह में एज लिमिट को दिखाया जाएगा और वहाँ का लोकेलिटी को भी देखा जाएगा। और आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो खेलेंगे वहाँ पे रिप्लेसमेंट दिया जाएगा जी सर।
रिप्लेसमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन वहाँ में जो बाहर दूर से ऐसे हो सकता है नाचो का दूर दूर से भी आदमी आ सकता है, वो अपना पुडिंग लॉजिंग अपना करना होगा, यही है ना जी सर। तो वो वहाँ से जब जीत के डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब खेलने आएंगे तब यहाँ में एकोमोडेशन देगा? एकोमोडेशन सिस्टम तो नहीं है सर। तो क्या लेकिन सर आपका वो जैसे कि नाचो में हम लोग जो है नाचो का आदमी को नाचो कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग जाके खिलाएगा, तो इसमें तो आपका हम लोग इतना ये जो एकोमोडेशन ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जब आएगा फाइनल फाइनल कहाँ में खेलेगा? फाइनल सर यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, तो वो नाचो से जब आदमी आएगा उनको एकोमोडेशन नहीं मिलेगा? एकोमोडेशन सर ऐसा तो इतना तो जरूरी तो नहीं है, सब तो यहाँ में अपना आदमी है सब तो बैठ सकता है। नहीं नहीं मिलेगा सर, जरूरी पड़ेगा तो हम लोग दे देगा सर। अच्छा ठीक है। उसके बाद पुडिंग लॉजिंग पुडिंग पुडिंग खाना पीना दे देगा? खाना पीना देगा। तो ये है फैसिलिटीज और एलिजिबिलिटी। और कौन से तारीख में होगा बोला सर? ये जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लेवल जो है 30 से एक तारीख, ये 30 जी सर, ये 30 से लेके एक तारीख तक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज खेल सर। ये का डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जी। और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल का सर 25 से लेके ये आपका 20th तक सर। हाँ, तो 3 दिन का है, 25, 26, 27, 28 सर, 4 दिन का, 4 दिन का है, 4 दिन का, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जी सर, 4 दिन होगा ठीक है। 4 दिन चार एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में है ना, 4 दिन जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का है? 4 दिन सर नहीं, 1 दिन हर एक दिन ये में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके हम लोग खिलाएगा सर। जैसे कि ये नाचियों में हो गया, हम सीएम में फिक्स किया इस बार, तो सीएम में जाके हम लोग ये करेगा। आप एक उसमें 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा सपोज, तो उसके बाद में ये सीएम से फिर नाचियों में आएगा, तलिया में आएगा सर, फिर तलिया में कंडक्ट करके फिर आपका ये में दमपुरजो में जाएगा, फिर दमपुरजो में फिर कॉन्डक्ट करके सर ये दापुरजो में आएगा, ऐसा करके कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल जो खत्म होने के बाद में फिर हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अलग से फिर वो जो विनर लुक हो, जो जैसे कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का विनर लुक को अभी हम लोग फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में बुला के फिर उसमें कॉम्पिटिशन होगा, ऐसा है सर सिस्टम, ऐसा है सर। तो जो फुटबॉल प्लेयर्स लोग जो वीडियो को देख रहा है, मेरा तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर की ओर से भी बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग अभी तैयारी रहिए, समय नहीं है। नहीं, थैंक यू।